निगमों को सब काट दिया और बात प्राण भोड़ की स्थिति में सीमित लाइन में अपना खेत करते हुए और कामों ब्लॉक करा दिया निर्णय द्वारा और सुंदर एक बार बात प्रारंभ हो गई और खेत करता हुआ एक बार बहादुर अच्छा अपना खतर को सुंदर तालमेल का पत्ता देते हुए और सत्कार खिलाड़ी वही होता है जो अनावश्यक झगड़ा नहीं करता है, खिलाड़ी अपना अपने कला का प्रदर्शन करता है। और मैं बता दूं आप लोगों से खिलाड़ियों को जारी रखे, चाहे वो हेड हो फाउल हो कुछ भी हो, जब तक उनकी स्थिति नहीं बनती आप ऐसा नहीं कि आज का डिसीजन लेना है। आप खेल के लिए आप भाई क्यों हैं कप्टी करने के लिए और अकेले हैं उसको चेक करने के लिए, हो सकता है मुझे कहीं नहीं देख सकते हैं, इसलिए कि मानव चुकी लाजमी है मानव से ही घोल होती है, इसलिए उसे घोल हो सकती है, इसलिए आप अनावश्यक उनके ऊपर दबाव न बनाए। आप खेल खेले और अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो खेल को रूल का फॉलो करता है, उसके नियम का हर समय करता है और अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन करता है। एक बार अच्छा चाल में अच्छा पटे देते हुए भागुर आलोक के भागुर खिलाड़ी सुंदर एक बार बाल को लेकर भगते हुए और कोई फायदा नहीं उसका ऐसा साथ खेलने का और मां फ्लाइट से बात करेंगे गोल करने का चांस देते हुए बहादुर आलोक पक्ष हो जाता हुआ बहादुर आलू खिलाड़ी दो करने की चेष्टा करते हुए लंबा दौड़ किया अपने साथी को दिया है और लेकिन बात जीने के बीच में और अपना पूरा खिलाड़ी डाला है लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई खिलाड़ी का मौजूद नहीं और बहादुर फोर्स में बात चल गई। और कमेटी सदस्यों से गुजारिश है कि आप दो दो बाल ग्राउंड में जीत रहे आप एक बाल को गैदर करके कमेटी बाक्स के पास रख लें और सुंदर लंबा किक लगाए सीधे और लड़का को बात करते हुए लेकिन अच्छा है से बचाव करते हुए रतनपुरा खिलाड़ी इस समय रतनपुरा खिलाड़ी जो दक्षिण छोर से अपना जोहर बिखेर रहे हैं और उत्तरी छोर से इस समय बहादुर यादव मेमोरियल में निकाले भट्टी के खिलाड़ी पर राइट और प्लेयर के पास बाल देखिए क्या कर सुंदर अच्छा करी और कोई भी खिलाड़ी अगर स्कोर करता है तो इस खेल का संयोजक जीरो खिलाड़ी के द्वारा दो पुरस्कार मैं समाप्ति के बाद जाएगा प्लेयर को और एक बार दो किया बहादुर खिलाड़ी ने हवा को चलती हुई धीरे धीरे भगवान भास्कर चिंता दीवार का रवि सूर्य भक्ताचल की तरफ जाते हुए और नेट का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता हुआ लेकिन हैंड करा जाएगा निर्णय द्वारा पहली लिखा है तीसरी की लिखा है और अच्छा फॉल करा दिया गया निर्णय द्वारा मतलब पूरा पक्ष में जाता हुआ यह फॉल और किक करने की चेष्टा कर मतलब पूरा के विभाग का प्लेयर और सुंदर बाल को डाला था लेकिन आगे और छोटा छोटा पास छोटा छोटा कैरेक्टर कर रहे हैं बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे राष्ट्र बाल खेल रहे हैं, कहीं कोई त्रुटि नहीं, कहीं कोई मिसिंग नहीं और एक बार अच्छा लगवा बनाती है भालुआ खिलाड़ी निगाह है क्योंकि उनकी अलका खुद नहीं करवी मामला था लाते में मैच चल रहा कहीं पे निगाह है कहीं पे इशारा हो गया अलका कहीं पे दिक्कत नहीं थी इस बार आप लोगों में बता दू कि जीत और हार एक ही जीत के जो पहलू है इसे कभी खिलाड़ी को घबराना नहीं आप अपने अच्छा खेत का प्रदर्शन करें सफलता निश्चित मिलेगी हार्ड वर्क कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है वही इस समय दोनों खिलाड़ी कठिन परिश्रम कर रहे हैं कठिन मेहनत कर रहे हैं इस पड़ाके के ठंड में और बेहतर एक बार अच्छा प्रदर्शन लेकिन कोई फायदा नहीं बनाते रह गए और वहाँ से बात चल गई और देखते रह गए दोनों तरफ के खिलाड़ी
और अगर इतना समय लेंगे तो सीधे उसका खाने आपको भुगतना पड़ जाएगा। मार भाई डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा चुके दोनों तरफ से प्रयास सार्थक चल रहा है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जगह को यह मंजूर नहीं, पता नहीं कब एक्सेप्ट करेंगे आप लोगों के निवेदन को, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन करें, प्रार्थना करें, गुजारिश करें कि नहीं बाबा एक स्कोर बनना चाहे, चाहे वह किसी भी टीम का कोई भी खिलाड़ी स्कोर करे, आज कुछ हो जाना चाहिए। क्योंकि 27 तारीख में ये मैच फाइनल हो गया रहता, अपना डिसीजन निकल जाता, लेकिन आज 29 तारीख है, कल का भी जो मैच खेला गया 28 तारीख उसका भी कोई डिसीजन नहीं कर सका, वो अभी मैच कल खेला जाएगा। और ये 27 तारीख वाला मैच आज पहला सेमीफाइनल का ये मैच है, क्योंकि विदाउट डिसीजन 27 तारीख में टीम बराबरी पर छुट्टी थी, इक्वल टीम छुट्टी थी, और आज वही पुनः स्थिति देखने को मिल रही है। अब तक वही पुनरावृत्ति है, कहीं कोई उसमें चेंजिंग नहीं नजर आ रही है, लेकिन कुछ हो सकता है। एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी कड़ाके ठंड में भूत और बाल का संघर्ष काले मायापुर मैदान पर सुंदर एक बार ताल का पटिया देते हुए भागुराल, और अभी भी बाजिलिया भागुरालो खिलाड़ी सीधे लेकर भग रहे हैं। लेफ्ट आउट प्लेयर बड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक बार अपने कप्तान कुमार साहु को डाला था, और एक बार राइट आउट प्लेयर कुमार साहु को नहीं जाकर सुंदर कहीं बेहतर तालमेल का पट्टे देते हुए बेहतर नमूना प्रदर्शन और सीधे डाला है बाबू तिरछा में फेंकते कर इतना है का घुमा घुमा। और इससे कि पहले पकड़ाई नहीं किया जा रही बेहतर रंगत पूरा के बैठ के देख रहे हैं आगे का आपको बताओ पुराने के आमंत्रित पर काम बुलाया मिलालो जी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हाथी साथियों हमारे कहीं नहीं खेलता आराम से मैच छोड़ा था बोलो लोग कस के दे दाप के खेला था धीरा हो गया अपने साथ खिलाड़ी को छोड़ा बात किए और इस समय रतनपुर के खिलाड़ी के साथ काफी अच्छा बचाव कहा जा सकता है। 10 नंबर के झटके में कप्तान कितना टाइम लिया है और थ्रो करने के लिए तैयार भटकने के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को थ्रो करना चाहते थे, लेकिन बीच में ही ये करने के लिए रतनपुरा के खिलाड़ी और इस समय रतनपुरा के चार नंबर के दर्शन खिलाड़ी है चले को प्रियर कर बचाते थे, लेकिन सुनकर बचाव बॉल की पर आरिफ द्वारा आरिफ को जितनी तारीफ की जाए कम है, काफी अच्छा गोल कीपर के भूमिका नजर आ रहा है आरिफ, और जितना भरोसा देता है लक्ष्मण गुप्ता और टीम मैनेजमेंट लक्ष्मण गुप्ता और कप्तान अंकित उसके थर्रा उतरते हुए आरिफ और वहीं रतनपुरा के गोल कीपर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, काफी अच्छा प्रदर्शन इस समय रतनपुरा के गोल कीपर की भी देखने को मिल रही और सड़े का अच्छा मौका अपने के खिलाड़ी के पास अभी भी, लेकिन कहीं गेंद को क्लियर किए रतनपुरा के खिलाड़ी और गेंद पूर्वी साइड लाइन पर रहा है तो करने का मौका मिला था भट्टे के खिलाड़ी को, भट्टे के खिलाड़ी के साथ खिलाड़ी को छोटा पास दिया जाता है, रतनपुरा के खिलाड़ी के गेंद को अपने कच्चे में लिया है। और हम लोग के बीच मुख्य अतिथि आज के इस सेमीफाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि प्रभा देवी श्री वंदना यादव जी युवा समाज सेवी ग्राम सभा पिपरा विट्ठल, हम लोग के बीच कुछ थोड़े में मंच में मंच होंगे और इस समय दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जब जाहिर करते हुए स्कोर करने के लिए और एक अच्छा मौका है इस समय रतनपुरा को स्कोर करने का, देखना है कि क्या करती है रतनपुरा की टीम। किसी गोल पोस्ट गई और आज के इस सेमीफाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मुन्ना यादव जी युवा समाज सेवी ग्राम निवासी पिपरा विट्ठल हमले के बीच मच में मच सीन और उनके साथ
विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री पूर्णनाथ यादव जी हम लोग के बीच मंच पर मंच और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा जगह दे दीजिए लोगों को दौड़ने के लिए बच्चों को दौड़ के गेट को वो ठोक ना सके और इस समय कप्तान के पास यकीन अच्छा बचाव कहा जा सकता है बटनी के खिलाड़ी द्वारा और सीधे अपने साथ ही खिलाड़ी को और रतनपुरा के खिलाड़ियों के लिए एक बार अच्छी खुशखबरी आती हुई रतनपुरा का कोई भी प्लेयर अगर गोल करता है तो आदरणीय श्री लक्ष्मी भाई की तरफ से 100 रुपए का उत्साह धनराशि दिया जाएगा मैच समाप्ति के बाद जो कैरेक्टर पास में उपलब्ध है और पांच यादव के खिलाड़ी के पास में छोटा पास किया खिलाड़ी को और कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना और बीच चली गई उसके बाहर अगर अच्छी तरीके से उनके पैरों पर निकल जाए होती तो हो सकता था कि स्कोर बन सकता था लेकिन उस मौके को गवाती हुई बटनी की टीम अभी भी स्कोर 0-0 के बराबर और फिर चाहे वो दर्शकों को हम बता दो आज के पहले से मुकाबला मुकाबला जहां पर नंबर 1 सीजी कॉलेज बटनी का नाम रतनपुरा के बीच खेला जा रहा था पूरा खिलाड़ी गेंद को कबीर लिया तो पाते हैं अपने साथी खिलाड़ी को छोटा सा प्लस किया दस नंबर के जर्सी में खिलाड़ी कप्तान है लेकिन अभी भी मौके पर एक अच्छा बोल एक चीज का बचाव कार्पर यानी जबरदस्त बचाव कहा जा सकता है डिफेंसर के द्वारा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम डिफेंडर की जितनी तारीफ उतनी कम बहुत बड़ा गलती किए थे गोलकीपर आरिफ बहुत बड़ा गलती किए थे इस तरीके की गलती अगर करेंगे तो उनके टीम को चढ़ सकते हैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश है थोड़ा सा पीछे हो जाए और कार्नर की करने के लिए तैयार कार्नर की करने के लिए तैयार रतनपुरा के खिलाड़ी अरना ला भाई हो जा कहीं खड़ा बैठे और आप दर्शकों कृपया धुन बना लें और सुंदर बचाव 3 नंबर के जख्मी में डिपेंडर है बहादुर यादव को बहादुर भी कब नहीं रतनपुरा के खिलाड़ी के पास गए तो एक अच्छा मौका है लेकिन सुंदर बचाव कहा जा सकता है रतनपुरा के खिलाड़ी के द्वारा और जितने का फिर से चला गया था सुंदर खिलाड़ी के तो एक आगे बढ़ना चाहते थे बीच में ही रतनपुरा के खिलाड़ी और टिक करने के लिए तैयार 3 नंबर के जैसे लगे तो साथ ही लड़के जरा बात ना चाहिए बीच में ही हमें तो आगे कुछ नहीं किया गया और कप्तान सॉरी इस समय के चल गई कार्नर और कार्नर टिक करने के लिए तैयार रहता पूरा का प्लेयर और दर्शकों से गुजारिश है कृपया साइड लाइन से बाहर हो जाए कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी दर्शक है आप लोग कृपया पीछे हो जाए सुंदर की उतना ही जबरदस्त बचाव गोलकीपर द्वारा बहुत ही अच्छा बचाव गोलकीपर आरिफ द्वारा और एक बार फिर वही मौका लेकिन सुंदर बचाव गोलकीपर आरिफ के द्वारा और रतनपुरा के खिलाड़ी इस समय पूरे जोश में आ चुके हैं स्कोर करने के लिए और आगे की आंखों पर हाल में चाहूंगा कि सहयोगी का नाते का रमेश चंद्र जी जितना ही मैच जो अब तक नहीं देखने को मिला था और यही खेल होना चाहिए जो जिसके अपेक्षा बहुत पहले थी और वही ठीक उसी तरह का प्रदर्शन जो तैयार कर रहे हैं लाइव कर खिलाड़ियों की इस समय और ठंड में आगे का मुकाबला इस समय बंद होना क्रिकेट चल रहा है इतनी भी तारीफ की जाए खिलाड़ियों का खासतौर से इस समय डिफेंडर बहादुर यादव मेमोरियल पीजी कॉलेज की बात की जाए के कैमरे से इसका
आराम से खेल भाई आगे निकल चुके थे और बहुत ही लागा पूरा कर दिया था डिफेंडर ने तारीफ करें हुए डिफेंडर की और इस समय चेष्टा करते हुए बहादुर और अंतिम छव का लाइट पूरे अपने सवाल पर पूरे अपने जवानी पर पूरे अपने रोष में चलता हुआ समय और दर्शक पूरा भरपूर सवाल उठाते हुए बेसब्र से इंतजार करते हुए इसको बहादुर यादव बदलोकाल भट्टी का खिलाड़ी गोल करे या टीम गोल करे दर्शकों को केवल गोल से मतलब है चाहे वह टीम कोई भी जीते क्योंकि अपना काम छोड़ करके ये लोग आते हैं और समय निकाल करके आते हैं इसलिए दर्शकों को एंजॉय चाहिए और वह आनंद इस समय देखने को मिल रहा है लेकिन दर्शक कब खुशों में इसके बाद लेकिन कोई फायदा नहीं चुके खिलाड़ी भूमिका में डिफेंडर और कीपर दोनों की भूमिका करके में नजर आ रहा है आरिफ की तारीफ कर रही होगी और दो तरह के चार नंबर का पूरा प्रश्न जाता हुआ और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मुन्ना यादव जी।